आपकी स्किन किस तरह से मतलब कि बहुत ही हेल्दी हो जाएगी, क्योंकि एलोवेरा में वो सारे इंग्रेडिएंट्स है। आपको पता है, आपने एलोवेरा के क्लास में ये ट्रेनिंग्स ली हुई है कि एलोवेरा में इतने सारे तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, वो बहुत अच्छे से क्लिंजिंग करते हैं, नरिशमेंट करते हैं, वो हर तरह का जो एलोवेरा जो हमारे स्किन को है बहुत तरह से बेनिफिट देता है। अब देखिए, एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा है, एलो एक्टिवेटर। अब ये एक्टिवेटर क्या काम करता है, इसमें भी एलोवेरा है, एक बहुत ही अलग फॉर्म में, वाटर फॉर्म में। और एक्चुअली ये है ना, ये एक तरह का पार्टनर है हमारा, एक फेशियल मास्क पाउडर आता है वो इसका पार्टनर है। जब उसके साथ आप इसको घोल कर एक पेस्ट बना के यूज करते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपके पास आते हैं। मतलब ये स्किन लिफ्टिंग का काम करता है, अगर आप उस मास्क पाउडर के साथ इसको यूज करें। ये बहुत ही प्योर होता है, ये डिस्टिल्ड एलोवेरा होता है, इसमें एलोवेरा के साथ साथ कुछ जड़ी बूटियां भी हैं। ये एक तरह का बहुत बढ़िया स्किन क्लींजर होता है। आप इससे रुई की से लेकर के कॉटन लेकर के आप अपनी स्किन को एज ए क्लींजर भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको रात में भी यूज कर सकते हैं, आप सोते वक्त इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिएगा, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी आपको। और मास्क पाउडर के साथ इसका इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ना आपकी अगर स्किन में थोड़ी सी भी, वो कहते हैं ना, स्किन अगर आपका लूज हो रहा है, जनरली 35 के बाद होना ऐसा स्टार्ट हो जाता है, तो आप उसके साथ जब आप एक्टिवेटर को लगाएंगे तो ये स्किन लिफ्टिंग का काम करता है। और कहते हैं स्किन लिफ्टिंग के लिए ना नॉन सर्जिकल अगर कोई फेशियल है तो वो FLP के ही पास है, और वो और कहीं भी नहीं है। तो सबसे पहले आइए स्किन की बात करते हैं। स्किन क्या है? स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गेन है, सबसे बिगेस्ट और हैवीएस्ट ऑर्गेन है। और कई बार ना हम इसकी देखभाल ठीक से नहीं कर पाते हैं। हम बाकी ऑर्गेन को तो अच्छे से देखते हैं, पर स्किन को अच्छे से इसकी केयर नहीं कर सकते हैं। बहुत जरूरत है इसकी केयर करने की। स्किन बहुत पतली होती है, पर ये एक ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन है और हमें हर दिन इसके देखभाल की जरूरत है। अब देखिए, स्किन जैसा कि आपको स्लाइड में भी दिखाया जा रहा है, हमारे स्किन की तीन लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। अब जो एपिडर्मिस होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो हम जिसको टच करते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। और इसका एक साइकिल होता है, 21 दिन से 28 दिन में ये ना एपिडर्मिस डर्मिस एपिडर्मिस में चेंज होती है। वो ऊपर का भाग आप देखेंगे, जब आप सफाई करते हैं वो डेड सेल्स बन के वो निकलने लगते हैं, और डर्मिस एपिडर्मिस में चेंज होता है। और हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं जनरली एपिडर्मिस के ऊपर ही यूज करते हैं। लेकिन आपको पता है, आपको अगर खूबसूरत बनना है अंदर से, स्किन की बहुत अच्छे से सफाई करनी है, उसको मॉइस्चराइज करना है, उसकी देखभाल करनी है, तो सिर्फ ऊपर से सफाई करने से कुछ नहीं होगा, है ना। उसको अंदर से डर्मिस लेयर से, हाइपोडर्मिस लेयर से उसको अच्छे से साफ करना बहुत जरूरी है। एपिडर्मिस के बाद आता है डर्मिस, ये जो मिडिल और थिक लेयर होता है, और इसी से हमारी स्किन की ना इलास्टिसिटी मेंटेन होती है। आपने स्किन के डॉक्टर को सुना होगा, उसका नाम हम क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। मतलब वो भी हमारे स्किन की सुरक्षा, वो हमारे स्किन के ट्रीटमेंट डर्मिस लेयर तक ही करते हैं। अब जो थर्ड और फाइनल लेयर होता है वो होता है हाइपोडर्मिस, ये सबसे नीचे वाला लेयर है, और इसी लेयर से हमारी ऑर्गेन्स अटैच रहती है। अब देखिए, क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है कि एलोवेरा कहाँ कहाँ पहुंचता है। जनरली जब आप बाजार के प्रसाधन यूज करते हैं तो वो एपिडर्मिस तक जाता है, और जब आप डॉक्टर की सलाह से कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो डर्मिस तक जाता है। पर जब आप हमारे प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट जो एलोवेरा से बने हुए हैं, उसको जब आप यूज करते हैं तो ये हाइपोडर्मिस तक पेनिट्रेट करता है, और जब अंदर से ये आपके स्किन को साफ करेगा, नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी स्किन की प्रोटेक्शन किस लेवल की होगी। मतलब आपकी स्किन किस तरह से